Good morning students, welcome to the Ant Dream YouTube channel and let us start with subject class of HRM BBA second year. Aur students, aaj jo topic hum log discuss kar rahe hain that is role of HRD manager. Abhi tak maine HRM ke concepts lectures mein discuss kiye hain ki what is HRM? HRM is a process of managing people at work. Whenever we manage the people, the human resources for the organization, for the work of the organization or for achieving the goals and objectives of the organization, उस प्रोसेस को हम कहते हैं HRM, Human Resource Management. अब हमने इसके अलावा स्टूडेंट्स ये डिस्कस किया था कि HRD क्या होता है. HRD को कहते हैं Human Resource Development. HRM का ही एक सबसेट है, एक सब पार्ट है HRD. Human Resources को मैनेज करना HRM कहलाता है. HRM के अंदर एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं HRD, Human Resources Development. जो भी व्यक्ति पीपल एम्प्लॉइज ह्यूमन रिसोर्सेज कंपनी के साथ जुड़े हैं उनका समय समय पर डेवलपमेंट होना, उनके अंदर कंटिन्यूस ग्रोथ आना, परमानेंट लेवल पर उनका अपग्रेडेशन होना, इस पूरे सिस्टम, इस पूरे प्रोसेस को HRD कहा जाता है. डी मीन्स डेवलपमेंट. जैसे कि आपने पढ़ा कि होगा भाई ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग होते हैं. ट्रेनिंग इज अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस, ट्रेनिंग इज अ टेम्परेरी प्रोसेस. बट अगर मैं डेवलपमेंट की बात करती हूँ तो डेवलपमेंट इज अ काइंड ऑफ कंटिन्यूस एंड अ परमानेंट प्रोसेस जिसके अंदर अगर व्यक्तिगत तौर पर किसी की स्किल्स, किसी की कैपेबिलिटीज को ब्रशअप किया जाता है तो ये मान के किया जाता है कि सच एंड सच पर्सन विल श्योरली परफॉर्म बेटर. अगर कोई अभी 90% कैपेबिलिटी के साथ काम कर रहा है और समय समय पर उसको डेवलपमेंट मिल रहा है तो बेसिकली उसकी जो कैपेबिलिटीज है वो जरूर से जरूर 100% तक पहुंच सकती है. सो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम इसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है. कहीं भी कोई प्रॉब्लम है मुझे तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. इसके अलावा ऑडियो के इशू ना हो तो आप वीडियो को ईयरफोन के साथ सुने. सब्जेक्ट्स के जो ये नोट्स हैं, टॉपिक के जो नोट्स हैं, वीडियो के लिंक्स के साथ शेयर हैं जिससे आप इन्हें वर्ड टू वर्ड फॉलो भी कर सकते हैं. तो जल्दी आज का इस लेक्चर के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं. रोल ऑफ HRD या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मैनेजर. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो एक डिपार्टमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में उसको जो डील करता है उनकी और शी इज द HRD मैनेजर. तो आज हम HRD मैनेजर के बेसिकली रोल्स को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी पर्सन को, किसी एम्प्लॉय को व्यक्तिगत तौर पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जिम्मेदारी दी गई है तो उसकी जिम्मेदारी में कौन कौन सी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं. द रोल ऑफ मैनेजर ऑफ HRD कंसिस्ट ऑफ 5 सेपरेट एंड ओवरलैपिंग कंपोनेंट्स रिफर्ड एज सब रोल. भाई अगर मैं बात करती हूँ HRD मैनेजर का तो उसमें यहाँ पर बताया गया है कि उसकी जो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो बेसिकली 5 है बट एक ओवरलैपिंग सब रोल्स है जिसमें अगर हम पॉइंट टू पॉइंट उनको डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले व्यक्तिगत तौर पर आता है इवेल्युएटर ऑफ HRD प्रोग्राम, इम्पैक्ट एंड इफेक्ट्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी. भाई ही और शी जो भी HRD मैनेजर है वो एक इवेल्युएटर के रोल को पूरा करता है ऑफ HRD प्रोग्राम्स, इम्पैक्ट्स एंड इफेक्ट्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी. जो भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं वो हमारी कंपनी की एफिशिएंसी को कितना इफेक्ट कर रहे हैं उसको इवेल्युएट करना, उसको जज करना कि वो ये प्रोग्राम्स ठीक रहेंगे या नहीं रहेंगे, इनकी वजह से प्रोफिशिएंसी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी, तो उसको इवेल्युएट करने का काम जो रोल होता है वो HRD मैनेजर का होता है. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग सिस्टम. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, व्यवसाय के अंदर एक लर्निंग एनवायरमेंट बने, एक लर्निंग सिस्टम हो जिसको लोग फॉलो करें तो उसका मैनेजमेंट का जो काम है, जो रोल है, जो जिम्मेदारी है वो भी HRD मैनेजर की होती है कि ही और शी हैज टू मैनेज द लर्निंग सिस्टम. भाई अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यूस लेवल पर एम्प्लॉइज के अंदर डेवलपमेंट आए, उनकी एफिशिएंसी बढ़े क्योंकि अल्टीमेटली वो बढ़ेगी तो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाएगी, तो लर्निंग सिस्टम को कंपनी में सेटअप करना, मैनेज करना भी HRD मैनेजर का रोल कहलाता है. ऑपरेशनल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग ऑफ HRD डिपार्टमेंट. इसके अलावा अगर हम ऑपरेशनल मैनेजर की बात करें जो भी कहीं ना कहीं HRD डिपार्टमेंट से जुड़ा रहता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम सबको बताएं क्या क्या हो सकती है. प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना क्योंकि ऑपरेशनल मैनेजर है, स्टाफिंग करना हु विल डू विच वर्क, हु विल परफॉर्म विच टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंट्रोल
to the next point, strategistic responsibility for long-term planning and integrating of HRD into organization. अगर हम strategistic role पर बात करते हैं, strategistic का मतलब होता है लंबे समय की. अगर हम सोचें तो strategic responsibility क्या है कि लंबे समय की planning करनी, आज या आने वाले कल की planning नहीं, it will lead to long-term planning and integrating the HRD into organization. किसी employee का development एक या दो दिन का काम नहीं है, और एक या दो दिन में अगर आपने किसी का डेवलपमेंट कर दिया तो वो काम पूरा नहीं कहलाता. लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होती है जिससे कि एचआरडी का एक अपना रोल है, ऑर्गेनाइजेशन को उसे इंटीग्रेट करना पड़ता है. नेक्स्ट इज मार्केटिंग स्पेशलिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवांसमेंट ऑफ एचआरडी विद द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन थ्रू वेल डिफाइंड एंड इफेक्टिव नेटवर्क. अगर कोई मार्केटिंग लेवल की बात करते हैं तो बेसिकली मार्केटिंग में इट इज बेसिकली इन्वॉल्व इन It is basically involved in the marketing specialization and building up a effective network. By marketing specialist responsible for advancement of HRD within the organization through well-defined and effective network. Marketing specialist होते हैं उनकी जिम्मेदारी क्या होती है कि एक अच्छे network के जरिए information को properly से इन चीजों को manage करना. तो these are all the roles and responsibilities that are basically fulfilled, that are basically planned by the HRD manager itself. ठीक है, अब हम इसको इवेल्युएट करके पढ़ते हैं कि हमने कहा है कि जो HRD मैनेजर होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है, इवेल्युएटर का काम करता है. अब क्या है कि HRD मैनेजर इज द प्रिंसिपल इवेल्युएटर ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ HRD प्रोग्राम ऑन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी. HRD का जो मैनेजर है, ही और शी इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ HRD प्रोग्राम ऑन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी कैसे बढ़ रही है, प्रोग्राम्स में जो इम्पैक्ट आ रहा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको इवैल्यूएट करने का काम एचआरडी मैनेजर का होता है. विद द सब रोल, इसके अलावा सब रोल क्या कहता है, मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम, इवैल्यूएशन एज वेल एज कॉस्ट बेनिफिट प्रोग्राम. मैनेजर इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल कहलाता है प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए. ऐसा नहीं कि कोई प्रोग्राम आपने सेटअप कर लिया कि भाई कैसा होना है, बट उसको डेवलप करें जिससे लोग उसकी फायदा, उसकी एफिशिएंसी उठा पाए. एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम, ऐसा नहीं कि बस प्लानिंग कर ली, यू नीड टू कन्वर्ट योर प्लान इनटू एक्शन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है. एज वेल एज कॉस्ट बेनिफिट प्रोग्राम्स बनाना भी जरूरी है. डेवलपमेंट सब चाहते हैं बट ऑर्गेनाइजेशन में रहकर ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट भी होता रहे तो एक कॉस्ट बेनिफिट प्रोग्राम. Each of this is used to determine the effect of learning on the employees and the organization. हर एक responsibility के पीछे एक ही वजह होती है क्या, so that you can create a learning environment on the employees and in the organization. Moving to the next phase, HRD managers are also responsible for evaluation of career development programs and organization development activity. HRD manager केवल और केवल organization की ये responsibility तक सीमित नहीं है, उनका ये भी जिम्मेदारी होती है कि करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में सोचें कि करियर में आपको क्या एम्प्लॉइज के लिए बेहतर हो सकता है एंड व्हाट वुड बी बेटर फॉर द डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में क्या बेहतर एक्टिविटीज हम करा सकते हैं. द इवैल्यूएशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग स्पेशलिस्ट, इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर्स, ये भी इवैल्यूएट करना कि भाई जो लर्निंग स्पेशलिस्ट है, जो हमारी कंपनी में लर्निंग सिस्टम को सेटअप करने के लिए जिम्मेदार है, वो कितने अच्छे हैं या कितने कम अच्छे हैं, ये भी हमें बहुत जरूरी है इवैल्यूएट करना. इसके अलावा डिजाइनर्स, जो इंस्ट्रक्चर डिजाइनर्स होते हैं, एचआरडी मैनेजर इज ऑल्सो अकाउंटेबल फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ एचआरडी प्रोग्राम, इट्स इफेक्टिवनेस, इम्पैक्ट एंड पार्टिसिपेशनर्स. एचआरडी मैनेजर का ये सब रोल और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के अंदर आता है कि आप अपने एचआरडी प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस, उसका इम्पैक्ट, इन सब पर भी ध्यान रखें. मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग सिस्टम, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि एज एन इवैल्यूएटर चीजों को जज करना, देखना कितना सही है कितना सही नहीं है, एचआरडी मैनेजर का रोल होता है कि वो मैनेज करे ऑर्गेनाइजेशन में लर्निंग सिस्टम को. अगर ऑर्गेनाइजेशन में लर्निंग सिस्टम फॉलो नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं आ सकता, उसको मैनेज करने की जिम्मेदारी एचआरडी मैनेजर के रोल के अंदर आती है. एचआरडी इज अबाउट इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी through increased knowledge,
कॉम्पिटेंसी स्किल्स एंड एटीट्यूड। भाई सिंपल शब्द में कहा गया है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कब आएगा, तब आएगा जब लोगों की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, कॉम्पिटेंसी स्किल्स में इंक्रीमेंट होगा और लोगों के एटीट्यूड भी पॉजिटिव हो जाएंगे, तभी माना जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स में डेवलपमेंट हो रहा है। इन अदर वर्ड्स एचआरडी इज ऑल अबाउट लर्निंग। बिल्कुल सही बात यह है कि एचआरडी का मतलब है लर्निंग। यू नीड टू लर्न, यू नीड टू बेसिकली इन्वॉल्व इन द परफॉर्मेंस एटीट्यूड, जिससे आप चीजों को अच्छा कर सकें, अपने अंदर डेवलपमेंट ले। इट इफेक्ट्स ऑन एम्प्लॉइज एंड इम्पैक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लर्निंग का सीधा असर किस पे दिखता है, एम्प्लॉइज पे दिखेगा या फिर ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पे दिखेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस लर्निंग प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्टर्स, आवर मैनेजर ऑफ एचआरडी शुड ऑल्सो बी एबल टू डिलीवर और फैसिलिटेट लर्निंग प्रोग्राम एंड एक्टिविटी। अपार्ट फ्रॉम दिस he or she must know how to assess the fact that HRD is having organization is able to communicate results to the organization decision makers. As an instructor, system को manage करना, उसको follow कराना, उसको deliver करने के साथ साथ जो organization के decision makers होते हैं वहां तक इस result को communicate करने का काम भी HRD manager का ही होता है। Next is operational manager. This role is often given as a primary role of manager of HRD. जैसा मैंने अभी डिस्कस किया कि भाई अगर हम ऑपरेशनल फंक्शंस की बात करें तो प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सब चीजें ऑपरेशनल एक्टिविटीज में आती हैं। और जो एचआरडी मैनेजर होता है उसको ऑपरेशनल मैनेजर भी कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली कंपोनेंट्स जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, मार्केटिंग, ईच ऑफ दीज एलिमेंट इज एड्रेस्ड इन डिटेल। भाई इसमें कुछ एरिया और भी हैं जो इंक्लूड होते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग टू एचआरडी डिपार्टमेंट्स, ये बताना कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, स्टाफ का रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, हायर करना, इवैल्यूएट करना, एचआरडी बजट को कंट्रोल और डेवलप करना, एचआरडी पॉलिसीज प्रोसीजर्स को मैनेज करना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, मैनेजमेंट ऑफ इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज जिससे एम्प्लॉयज को कोई इशू ना रहे, मटीरियल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। तो दीज आर ऑल द एरिया जहां पर भी एचआरडी अपना ही रोल इन्वॉल्व है जो कि हमने बाकी पॉइंट्स में पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा सुपरविजन ऑफ स्टाफ, प्रोग्राम को शेड्यूल करना, एनवायरमेंटल मेंटेनेंस, दीज आर ऑल्सो द सब एरियाज इन विच द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मैनेजर इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सब पॉइंट्स से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मैनेजर के रोल क्लियर होंगे, ये क्लियर होगा कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता क्या है। प्लीज आप इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और अगर कोई इशू ना हो तो वीडियो को ईयरफोन्स के साथ सुने। इस वीडियो की लिंक में ये सारे नोट्स आपको लिंक के साथ शेयर किए गए हैं जिससे आप इन्हें वर्ड टू वर्ड फॉलो कर सकें। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर आएंगे समझ में।